आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए एट गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं जो कक्षा पाँचवीं के लिए है और इस एट गेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है और आज हम आपके लिए पाठ 9 रम्मो और कल्लो लेके आए हैं। इसके अति लघुत्तरी लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न बताएंगे और इस पाठ को किसने लिखा है? डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्ण गोपाल रस्तोगी। तो चलिए देखते हैं रम्मो और कल्लो पाठ में क्या दिया है। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखने से पहले आपको पाठ का अध्ययन कर लेना चाहिए जिससे आपको इनके उत्तर आसानी से बन जाएंगे क्योंकि आपकी वार्षिक परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं इसके अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर एक, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया? प्रश्न क्या है? रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया? तो उत्तर हो जाएगा रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा बाबूजी ने लिया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर एक यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर दो क्या कह रहा है? दोनों परिवारों में साथ साथ मिठाई खाई, दोनों परिवारों ने साथ साथ मिठाई खाई, उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? देखिए यहाँ पे दोनों परिवारों के साथ साथ मिठाइयाँ खाई तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया आएगी इसमें? साथ साथ मिठाई खाई तो सकर्मक क्रिया आएगी दोनों परिवारों ने, तो इसका उत्तर हो जाएगा उक्त वाक्य में क्रिया का सकर्मक क्रिया का प्रकार है। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? सकर्मक क्रिया का प्रकार है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर दो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं। खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा खिड़की शब्द का बहुवचन खिड़कियाँ। क्या हो जाएगा? खिड़कियाँ। आपको क में छोटी की मात्रा की कर देना है और या जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? खिड़कियाँ। तो खिड़की का बहुवचन क्या हो गया? खिड़कियाँ। इसके बाद लघुत्तरी प्रश्न है आपके, तीन से चार पंक्तियों में इसके उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर चार देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर चार में क्या दिया है? दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपको मुहावरों का अर्थ लिखना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहला क्या है? 9-2-11 होना। 9-2-11 होना का अर्थ होता है भाग जाना। इसका वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो इस प्रकार आपका पहला कंप्लीट होता है। दूसरा नंबर देखिए, पहला नंबर कंप्लीट हुआ, दूसरा नंबर क्या है? मन मार कर रह जाना। इसका अर्थ हुआ मन के भावों को मन में ही दबा देना। इसका अर्थ क्या हो गया? मन मार कर रह जाना का अर्थ हुआ मन के भावों को मन में ही दबा देना। अब इसका वाक्य में प्रयोग, नई गाड़ी ना मिलने पर राजू मन मार कर रह गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर चार का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर पाँच है, रम्मो और कल्लू की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? प्रश्न है, रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई? तो आप उत्तर में बता सकते हैं, रम्मो ने प्रथम श्रेणी के अंक प्राप्त किए और कल्लो ने द्वितीय श्रेणी के अंकों से उत्तीर्ण हुई, इसलिए उनकी पढ़ाई करने की इच्छा और तीव्र हो गई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर चार और प्रश्न नंबर पाँच का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर छः। प्रश्न नंबर छः में क्या दिया है? पढ़िए उसे उसका प्रश्न को पहले। रधिया ने अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी? रधिया ने अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी? तो उत्तर हो जाएगा, रधिया ने अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना इसलिए कर रही थी क्योंकि वह सोचती थी कि उन्हें पढ़ाने पर शादी के लिए पढ़े लिखे लड़के ढूंढने पड़ेंगे तो उनके काम में हाथ कौन बटाएगा, इसलिए रधिया अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना कर रही थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात, दीर्घोत्तरी प्रश्न है। क्या कह रहा है? चलिए पढ़े इसे। निस्वार्थ भाव से सेवा करने के क्या लाभ होते हैं? यदि आप किसी के निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो उसके क्या लाभ होते हैं? अपने विचार लिखना है यहाँ पे आपको। तो उत्तर देखिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। यदि हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है यदि हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर जीवन में स्वतः ही लोग अपने होने लगते हैं। यदि हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वे लोग स्वतः ही स्वयं ही हमारे होने लगते हैं। अपने पराये का अंतर ही समाप्त हो जाता है।
और इससे अपने पराये का अंतर समाप्त हो जाता है। निस्वार्थ भाव से ही से की गई सेवा से किसी का भी हृदय परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नहीं है, इसके बाद आपका मूल्यांकन 7 है। मूल्यांकन 7 के अति लघुतरी प्रश्न देखेंगे, उसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है देखिए, पढ़िए उसे। यदि रम्मो और कल्लो आपकी कक्षा में होती तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते? तो उत्तर देखिए, यदि रम्मो और कल्लो हमारी कक्षा में होती तो हम उनके साथ मैत्रीपूर्ण यानी मित्रतापूर्ण दोस्ती का व्यवहार करते। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 जो लघुत्तरी प्रश्न है, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में, दिए गए वाक्यों के प्रकारों का एक एक उदाहरण लिखिए। यहाँ आज्ञावाचक इसका एक वाक्य बना के लिखना है, जस्ट तो तुम इधर आओ, ये क्या हो गया आज्ञावाचक वाक्य हो गया। दूसरा विस्मयादिबोधक वाक्य, अरे यह क्या है, इसमें विस्मयादिबोधक वाक्य बना के आपको बता दिए। इच्छावाचक जिसमें इच्छा हो, भगवान तुम्हें खुश रखे, ये हमारी इच्छा है, इसलिए इसे इच्छावाचक वाक्य कहा गया। आज्ञावाचक वाक्य में जिसे आज्ञा दी जाती है, और विस्मयादिबोधक में क्या होता है, कोई आपको एकदम अचानक कोई चीज़ आश्चर्य होता है, अरे यह क्या है, कोई चीज़ को देखने के बाद आपको आश्चर्य हुआ तो वो विस्मयबोधक हो गया। और प्रश्नवाचक जहाँ आप प्रश्न करते हैं, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक हो गया। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, हमने पूर्ण विराम लगा दिए थे लेकिन यहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न है, जिसे 8 से 10 पंक्तियों में इसका उत्तर लिखना है आपको। क्या है, आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है? अब ये तो आपको मालूम है कि पढ़ना लिखना क्यों आवश्यक है, तो इसका उत्तर हमने यहाँ बताया। देखिए, आज के समय में पढ़ना लिखना इतना ज़रूरी है जितना मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े, कपड़ा एवं रहने के लिए घर जरूरी है। पढ़ाई लिखाई से मिलने वाले लाभ, जो यदि हम पढ़े लिखे हैं, यदि हमने पढ़ाई अच्छी की है तो हमें अच्छे बुरे की समझ का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। और हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना हमको आता है तो हम अनुशासन का पालन करते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे समाप्त हुआ। इस प्रश्न के साथ आपका मूल्यांकन 7 और पाठ 9 रम्मो और कल्लो समाप्त होता है। बच्चों, आपको अति लघुत्तरी प्रश्न बताया हमने, लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न बताए। यह प्रश्न आपके समझ आए हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।